नमस्कार, हिंदुस्तान और दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच एक नए घोड़े का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। आप सभी लोग देख रहे हैं कि घोड़ा शानदार पैरबाजी करते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं बता दूं तो ये घोड़ा अभी बिल्कुल नए एज में है। घोड़ा का एज अभी मात्र 2 दांत का घोड़ा हुआ है और घोड़े की शानदार पैरबाजी आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और इस घोड़े के ओनर हैं सुरेंद्र तिवारी जी बरिसवन, भोजपुर बिहार से। शायद भोजपुर में ही पड़ता है, इतना कन्फर्म नहीं हूँ कि भोजपुर में पड़ता है कि बक्सर में पड़ता है, शायद भोजपुर में ही पड़ता है। तो इस घोड़े के ओनर हैं सुरेंद्र तिवारी जी बरिसवन, भोजपुर बिहार से। और इस पे जो सवारी कर रहे हैं एक जाने माने अनुभवी सवार, सवार रामजी ठाकुर। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सवार रामजी ठाकुर से और घोड़े से तालमेल कैसा है, और सुरेंद्र तिवारी जी का ये नए एज का घोड़ा कैसा पैरबाजी कर रहा है, इस घोड़े का भविष्य कैसा है। अगर घोड़े पे मेहनत किया जाए तो क्या ये भविष्य में कितना रंग ला सकता है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबका लाइक भी करता हूँ। आप सभी लोग देखे ही होंगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और हिंदुस्तान हॉर्सेज दंगल यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, अपडेट रहिए। मैं ऐसे ही और भी नए घोड़े का वीडियो लेकर आप सभी के सामने आता रहूँगा। और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हिंदुस्तान हॉर्सेज दंगल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का घंटा दबा लें। और कोरोना महामारी की वजह से जो बिहार में रेस का डेट आया हुआ था, वो कोरोना महामारी की वजह से सारे रेस कैंसिल हो चुके हैं। आप सभी लोगों को भी हिंदुस्तान हॉर्सेज दंगल यूट्यूब चैनल इस महामारी के दौर में आप सभी लोग सजगता से, सतर्कता से दूरियां बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इस कोरोना महामारी को दूर भगाएं। तो आप सभी लोग हिंदुस्तान हॉर्सेज दंगल यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, अपडेट रहिए। और इस घोड़े के लिए और सवाराम जी ठाकुर के लिए आप सभी से कमेंट का मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सवाराम जी ठाकुर की सवारी आप सभी को कैसी लगती है और घोड़े की पैरबाजी आप सभी को कैसा लगा। मैं फिर मिलता हूं आगे नया वीडियो लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।